छह जिले, 30 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें। बीकानेर में मौजूद कांग्रेस के 3 मंत्रियों के गढ़ में 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने आ रहे हैं और ये दौरा राजस्थान में भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी का बीकानेर की सभा में पूरा जोर विकास के मॉडल पर होगा। वैसे तो पीएम यहां से अमृतसर और जामनगर के बीच 20,000 करोड़ की लागत से बने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, साथ ही वो सीएम गहलोत की मुफ्त योजनाओं, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर निशाना भी साध सकते हैं। पीएम मोदी का पिछले 9 महीनों में ये 7वां दौरा है, मगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इस चुनावी सीजन में ये पहला दौरा होगा। पीएम के इस दौरे में जिन योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास होगा, उसका फायदा आम जनता को सीधा मिलेगा। भाजपा यहाँ की ब्राह्मण, राजपूत, दलित और जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। राजनीतिक रूप से भी ये इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में अपने आप को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती पेश करती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के बाद में उस इलाके की गुटबाजी और साथ में कई जन कल्याणकारी योजनाएं और उसके साथ में वसुंधरा राजे को लेकर के पीएम मोदी कोई बड़ी बात कह सकते हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।